15 पे भाई ने उठाया गया, नमाज नहीं पढ़नी। मैं कहा बहुत जल्दी उठाया तुमने तो नमाज के लिए। मैं 1 बजी है, मैंने बस लिटरली नहाया, कुछ भी नहीं हूँ, शर्ट चेंज करी है, पैंट चेंज करी है और स्वेटर पहन के आ गया हूँ, बस वजू कर गया। शाबाश। तो वापस आके नहाना भी है, हर चीज करना है और आधी नींद में ही हूँ मैं भी। तो उससे पहले कि मैं भूल जाऊँ तो लेट स्टार्ट द ब्लॉग। प्रॉपर एडी शेडी हो गए, एवरीथिंग हो गए, सो लेट। अभी अम्मी ने बोला अभी यार नाश्ता नहीं मिलेगा, आज सीधा लंच करो। दाल बटरी आ जाओ टेबल पर भाई, वापस बोले यार मैं वीडियो करा सब कुछ बनाता हूँ खाने वाने लंच वगैरह की, मगर मसला ये हुआ कि भाई बहन भी बैठी हुई थी और मैं कुछ अगर बैठा हुआ भी हूँ ना तो उसको मसला होता है यार बैठा हुआ क्यों है, तो मैंने उसकी बनाई नहीं वीडियो, मेरे बाद चुप कर खाना खाया। बाकी अभी अपना जान और सामान लेना है, साइकिल का स्टैंड जो बनवाया था वो लेना है, वो लेकर आते हैं और फिर तो काम और भी वो भी आपके साथ करते हैं, साथ साथ दिखाते हैं। शायद वीडियो को एंड तक रहो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। माशाल्लाह से हमारा स्टैंड भी इंस्टॉल हो चुका है। ये असल में अम्मी कहती यहाँ नहीं कहा था, मैं कहा मामा यहाँ करवा कहाँ सकता था, मैं कहा यहाँ पे लगाता था, मैं उसको गिराता एक तो चीजों के ऊपर साइकिल को, मैं कहा यही जगह थी पूरे कमरे में लगाने के लिए। सो फाइनली इट हैज बीन इंस्टॉल्ड, अब रास्ते में नहीं आएगी लेकिन उतार उतार इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉग तो उधर तब बाहर आता है, मेरा सामान रेडी क्यों होता, कहता है रात को आ जाओ या फिर मगरिब के बाद आ जाओ, आपको मिल जाएगा आपका सामान, नहीं बन रहा है, इन प्रोसेसिंग है, काम चल रहा है। फिर मैंने बोला आज तो मुश्किल है, कल परसों आएंगे। अच्छा तुम लोग से एक क्वेश्चन है मेरा, भाई को डर है बोलो ना, तुम लोग से एक क्वेश्चन है मेरा, तुम लोग से एक क्वेश्चन है मेरा, जवाब दे दो। कुछ लोग दूसरों से इतना फैसिनेट हो जाते हैं कि दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। लिफ्ट अगर हिम्मत है तो ऊपर आओ, हिम्मत है तो ऊपर आओ, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है भाई, फुसे फुस पंग 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 पंग। अज रोलैंड दे बिजी भर के तू गया मुझको फना करके, अब मनुष्य लग रहो मत करो रन लो, आ गाते ही नहीं गाना। अच्छा वैसे है टू बी ऑनेस्ट, ये जो मैं ड्रामेबाजी गाने गाता हूँ ना, ये मैं ऐसी तफरी शुगर लगाने के लगाता हूँ, असली में अल्हम्दुलिल्लाह पाक की तरफ से अच्छी आवाज है मेरी, लेकिन उसे मेहनत बहुत लगती है, फौरन प्यास लगने लगती है, फौरन गले में दर्द होने लग जाता है, वैसे आवाज अच्छी है नहीं ब्लॉक ने, तो ड्रामे के लिए मैं गाते करता हूँ ऐसी। Seriously? तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरा क्वेश्चन है हर बंदे से, स्पेशली द गर्ल्स फॉलोइंग मी आउट, या लड़की नहीं भी देख, कोई भी लड़का देख रहा है, मेरा सवाल है कि भाई लड़के, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जो ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड है ना, ये ही है क्या, क्योंकि कोई भी बात हो जाए ना, मेरा भाई भी शुरू हो गया, ओह माय गॉड शुरू, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब ये सीन हुआ कुछ अपना 2 दिन पुरानी बात है, एक दिन पुरानी बात है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे घर पे आए मतलब मेरे सिबलिंग्स, तो उन्होंने दूसरे सिबलिंग को बोला क्या अपना ये दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है ले गए, उसे जब मैं तुम्हें वापस करने आया था बोला तो मैं वापस करनी चाहिए, तो मेरी दूसरी सिबलिंग बोलती है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब यार क्या इतनी आफत पड़ी है, ओ माय गॉड। मिसाल के तौर पे ये बस गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी ले जाओ, हाँ हाँ ले जाओ, तुम्हारी गाड़ी में वापस करनी है, ओ माय गॉड, मतलब कि यार ओ माय गॉड। अब मेरा जो भाई है ना वो भी शुरू होता है ओएमजी ओएमजी ओएमजी, मैं को ओएमजी का मतलब क्या है, कहता ओ माय गॉड मेरे को उतनी मुझे पता ही नहीं, ओए होए होए जब भाई हम सीधा भाई हम सीधे लोग हैं, मेरा उधर मेरा भाई भी कहते कर रहे हैं, मैं कहा मैंने बोला मैं कह यार आपने वो देखा था वो जो इनवॉइस पड़ी हुई थी वहां पर, ओएमजी मैं कहा इतने ओ एन जी की कर रहा है, मैं कहा थोड़ी बताओ वो इनवॉइस कितने, मैंने बोले यार मजाक सुन रहे सोच रहा है यार आपको, तो ये चीजें भी एक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ एम जी, ये तो मेरा क्यों मुंह पीछे चला जाता है, तो मैं क्या हो गया है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आती किसी की भाई। अभी होने जा रहा है हमारे डिनर का टाइम और डिनर शिनर करते और आज ये पाया हमारे डिनर का, तो हम लोग सोचे थी मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आ गई, तो यार एनर्जी आज आ गई, सो
यार पहले मेरा मूड था सर मैं कहीं बाहर जाने का, उसके वजह चप्पल वप्पल खरीदने थे बाहर जाकर, मगर मेरा भाई ड्रामे बाज है उसको मजाक मस्ती लग रही थी जो मुझसे कह रहा था। मैंने उससे बोला भाई साथ जाएंगे बाहर जाकर मेरे चप्पल खरीदेंगे ब्लॉग भी बनाऊंगा मैं, वो मजाक समझ रहा था। मतलब पूरा दिन मेरा जाया करवा दिया, मगर कोई नहीं उसने मुझसे कर तो लिया मतलब अपोलोजाइज, ने बोला मुझे नहीं पता तुम इतने सीरियस थे। मैं कहा यार मैं अल्लाह के बंदे मैं यूट्यूब का काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं सीरियस हूँ यार, मजाक थोड़ी करता तुमसे मैं सुबह कल। उसके बाद चलो कोई नहीं एक आध दिन में चलेंगे प्लान बना करना और उससे भी दो चार काम करने अपने, तो दोनों साथ ही करेंगे सब ब्लॉग बना लेना। अब मैं सोचा क्या करूँ, फिर मैं कहा चलो पाए तो पड़े मैं, तो मैंने रोटी लाया भी मैंने टोस्टर में क्रिस्प करी और मज़ा आ गया यार। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मजेदार डिनर वगैरह मुकाते हैं और इंशाल्लाह अभी तो पावर में इतनी है आज जो है मैंने एडिटिंग की बात लगा देनी है, बात एडिटिंग ऐसे करूंगा तुम लोग बोलोगे यार दुनिया में ऐसे अब्दुल्ला सुल्तान अहमद से ज्यादा अच्छा एडिटर कोई भी नहीं आया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, तुम लोग से नए ब्लॉग के अंदर अपना ख्याल रखो एंड वापस।